हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर आदित्य अग्रवाल हार्टली वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ क्वांटिटी सर्वे एंड कॉस्टिंग। आपको याद होगा हम लास्ट टाइम एक क्वेश्चन कर रहे थे इस टाइप का, जिसके अंदर हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट हमने देखा था कि उसके अंदर हमने एक्सकेवेशन करा था और लाइम कॉन्क्रीटिंग करी थी, मतलब खुदाई करी थी और लाइम कॉन्क्रीटिंग करी थी। सेकेंड पार्ट की वीडियो में आपने देखा होगा हमने फर्स्ट फुटिंग करी थी और सेकेंड फुटिंग करी थी और फिर इसके बाद डीपीसी करी थी। आई होप आपको वो दोनों वीडियोस क्लियर होंगे। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले फ्लोरिंग करनी पड़ेगी। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज नोन एज फ्लोरिंग। तो यहाँ पर हमारे पास आइटम नंबर आएगा फिफ्थ, विच इज नोन एज फ्लोरिंग इन प्लान, फ्लोरिंग इन ड्रॉइंग। मतलब हमको टाइल्स की क्वांटिटी कितनी लगेगी, फिर उस टाइल्स के क्या रेट चल रहे हैं, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो अब इसमें हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको फ्लोरिंग लगेगी रूम वन और रूम टू में, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा इसमें हमारे पास रूम नंबर वन, फिर आएगा इसमें रूम नंबर टू, ठीक है। फिर आएगा रूम नंबर थ्री, रूम नंबर थ्री। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास सर्कुलर सेक्शन। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर सेक्शन में भी हमारे पास टाइल्स लगेगी, तो यहां पर आएगा फिर हमारे पास इसमें नेक्स्ट सर्कुलर सेक्शन। फिर और का टाइल्स लगेगी वरांडा, वरांडा में भी हमारे पास टाइल्स लगेगी, तो ये वरांडा की भी हमको कैलकुलेशंस करनी रहेगी। ओके, तो फिर नेक्स्ट आएगा वरांडा, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करनी है, टाइल्स लगानी है, ठीक है। क्वांटिटी ये तो सब हमारे पास अभी वन वन ही रहेगी। रूम वन कितने हैं, एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है, ठीक है। अब रूम वन में लेंथ कितनी है, आप देख सकते हैं लेंथ कितनी है 3.6 मीटर, विड्थ कितनी है 3 मीटर। वैसे रूम टू में भी सेम है 3.6 मीटर और 3 मीटर, तो ये आ गया 3.6 मीटर 3 मीटर हाइट। अब जब भी फ्लोरिंग लगाएंगे तो फ्लोरिंग में हाइट आएगी क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि फ्लोरिंग में अपनी जो टाइल्स रहती है वो ऑलरेडी मोटी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट रूम टू सेम डायमेंशन 3.6 3.0। रूम नंबर थ्री, रूम नंबर थ्री कौन सा है, ये वाला, इसमें है वो कितनी है लेंथ, सेम है 3.6 मीटर और विड्थ कितनी है 2.4 मीटर। तो 3.6 मीटर और 2.4 मीटर। नेक्स्ट है सर्कुलर सेक्शन, ये वाला सर्कुलर सेक्शन, तो इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बट ये सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, मीन्स पाई इंटू रेडियस कितना है 1.8 का स्क्वायर अपॉन टू। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है वेरेंडा, वेरेंडा में ये हमारे पास 1.8 मीटर है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमने लिया है 0.6, तो ये टोटल कितना हो गया 2.4 मीटर और ये लेंथ कितनी है 3.6 मीटर। तो लेंथ कितनी हो गई हमारे पास 3.6 और ये हाइट हो गई, विड्थ हो गई 2.4। आया समझ में? तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि हमारे डायमेंशंस कितने आ रहे हैं। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, पाई इंटू 1.8 का स्क्वायर अपॉन टू, ये आ रहा है 5.089, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी आ गई 5.089 और इसकी क्वांटिटी 3.6 इंटू 3, ये आ रहा है 10.8, अगेन 10.8, 3.6 इंटू 2.4 ये आ रहा है 8.64, 3.6 इंटू 2.4 अगेन 8.64। तो इन सभी का सम मुझे मिल जाएगा कि मुझे इतनी फ्लोरिंग लगानी है, मतलब मेरे को टाइल्स का एरिया मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितनी टाइल्स लानी है। 10.8 प्लस 10.8 प्लस 8.64 प्लस 5.09 प्लस 8.64, तो मेरे पास टोटल टाइल्स का एरिया आ गया फिफ्थ नंबर का आ गया 43.97 इतने मीटर स्क्वायर टाइल्स लगेगी।
अब आपको पता है बाजार में 2x2 की टाइल्स आती है, 3x2 की आती है, 4x4 की आती है, सारी टाइल्स आती है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हैं। तो मतलब मुझे कितने बॉक्स लगेंगे, मुझे 11 बॉक्स लगेंगे टाइल्स के। तो इस तरीके से हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप फिफ्थ पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा, फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। मतलब मुझे क्या करना है, ईंट की जुड़ाई करनी है सुपर स्ट्रक्चर में। तो मैं अब उसमें करूंगा फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो पहले इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें फिर से हमको क्या करना है, ईंट की जुड़ाई करना है। ईंट की जुड़ाई कहां से करना है, यहां से लेके टॉप तक। तो इसमें फिर से हमारे पास सेम हेडिंग्स आएंगी। सेम हेडिंग्स कैसे, रूम 1 एंड 2 में एक आएगा लॉन्ग वॉल, एक आएगा शॉर्ट वॉल। फिर रूम नंबर 3, इसमें क्या आएगा, सिर्फ शॉर्ट वॉल, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन कौन सा, ये वाला। तो इसके अंदर भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास वेरेंडा पिलर्स। वेरेंडा पिलर्स, वेरेंडा पिलर्स कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4। तो ये हो गए हमारे चारों वरेंडा के पिलर्स, ठीक है। फिर इसमें पास हमारे पास आएगी वरेंडा की वॉल्स। वरेंडा वॉल्स, एक आएगी हमारे पास लॉन्ग वॉल और एक आएगी हमारे पास शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल कौन सी हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो ये दोनों वॉल्स भी हमारे पास वरेंडा में आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको यहां पे तो जुड़ाई करनी है, यहां पे भी जुड़ाई करनी है, यहां तो फिर भी गेट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था, 7.8 मीटर था। तो 7.8 प्लस वॉल थिकनेस कितनी है यहां पे, 40 की, तो प्लस 0.4/2 प्लस 0.4/2, मतलब एक फुटिंग इस साइड से, आधी फुटिंग इस साइड से, और हम इसको कैसे लेते हैं, आउट टू आउट। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे लॉन्ग वॉल 2 है, शॉर्ट वॉल 3 है, यहाँ पे 2 है, ये 1 है, वेरेंडा फिलर 4 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 7.48 प्लस 0.4, 8.2। विड्थ कितनी है, 0.4। ये हमारी वॉल थिकनेस 0.4 है, और इसकी हाइट कितनी है, कहाँ तक लेके जाना है हमको, 3 मीटर तक। तो ये हाइट आ जाएगी यहाँ पे 3.0। मतलब हमने क्या करी, ये दीवार बना दी लॉन्ग वॉल की ऊपर तक। वैसे शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 3.3। तो 3.3 माइनस 0.4/2 माइनस 0.4/2, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2.9, 0.4, 3.0 एज इट इज, ओके। रूम 3 शॉर्ट वॉल, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 2.55। तो 2.55 माइनस, ये वाली वॉल तो हम पहले ही ले चुके, तो हमको कौन सी वॉल लेनी है, सिर्फ एक ये वाली वॉल। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.4/2, तो मतलब 20 कम हो जाएगा। तो 2.35, 0.4, 3.0, ओके। सर्कुलर सेक्शन तो जो हमारा था वही रहेगा, हमने निकाला था पाई इंटू एल से, ठीक है। ये कितना आया था, 6.13, 0.4 और ये 3.0। वरेंडा पिलर्स, हमारा जो साइज है वो एक्चुअल 30x30 है, तो यही साइज हमारा फॉलो होगा। सो 0.3, 0.4, 3.0, ठीक है। आप चाहे तो इसको कॉन्क्रीट में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इन पे इतना ज्यादा लोड नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको सिर्फ ब्रिकवर्क से करा है। आप चाहे तो इसको कॉन्क्रीटिंग में भी ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वरेंडा लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल कौन सी है, ये 1.5 है, प्लस बेयरिंग लेते हैं इधर से 10 सेंटीमीटर, इधर से 10 सेंटीमीटर,
तो कितना हो गया 1.5 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो ये आ गया 1.7। वैसे शॉर्ट वॉल 1.8 प्लस 0.6 कितना हो गया 2.4 प्लस 10 सेंटीमीटर इधर से प्लस 10 सेंटीमीटर इस साइड से, तो 1.8 प्लस 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.1 2.4 2.5 2.6 0.4 0.4। अब हाइट आती है वरंडा की, जो वॉल्स है अपन उसको पूरे एकदम हाइट तक नहीं लेके जाते जितनी हमारी फ्लोर्स है, हम इसको हाइट कम ही रखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसकी हाइट को 1.2 मीटर तक ले लेंगे, मतलब एक एवरेज इतनी हाइट रहती है हमारी बाउंड्री वॉल्स की। तो हमने बाउंड्री वॉल्स की हाइट को हमने ले लिया 1.2 मीटर। आप चाहे तो उसको 1.5 भी ले सकते हैं, 1.6 भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। तो यहां से आपका फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क की क्वांटिटी आ जाएगी। बट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क आ रही है, आप पूरी पूरी दर्जे की दीवार नहीं बना सकते, वहां से आपको विंडोज को, डोर्स को, लिंटल्स को, इन सब चीजों को माइनस करना पड़ेगा। तो अभी हम पहले इन सभी की कैलकुलेशंस करेंगे, उसके बाद उन सब चीजों को डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इनको कैलकुलेट करते हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी आ रही है। 2 × 8.2 × 0.4 × 3 ये आ रहा है 19.68, 3 × 2.9 × 0.4 × 3 ये आ रहा है 10.44, 2 × 2.35 × 0.4 × 3 ये आ रहा है 5.64, 6.13 × 0.4 × 3 7.36, 4 × 0.3 × 0.4 × 3 1.44, 0.7 × 0.4 × 1.2 0.82, 2.6 × 0.4 × 1.2 1.25। तो इन सभी को टोटल कर देंगे तो हमको क्या क्या मिल जाएगी हमारी क्वांटिटी। तो 19.68 प्लस 10.44 प्लस 5.64 प्लस 7.36 प्लस 1.44 प्लस 0.82 प्लस 1.25, तो ये आ रहा है हमारे पास 46. कहाँ लिखे हम इसको, 6. यहाँ लिख लेते हैं 46.63। ओके, अब क्या करना है हमको, इसके अंदर से डिडक्शंस करना है। क्या क्या डिडक्शंस करेंगे हम, डोर्स को माइनस कर देंगे, विंडोज को माइनस कर देंगे और लिंटल्स को माइनस कर देंगे। तो एक मिनट इसको पहले रब कर देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास आएंगे डिडक्शंस। डिडक्शंस में क्या क्या है, सबसे पहले हमको दिख रहे हैं यहां पे डोर, डोर कितने हैं 1, 2, 3 और एक यहां पर आएगा 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया डोर्स, जिसको हमने नाम दिया है डी, इसकी क्वांटिटी है 4। फिर इसके बाद W1 मतलब विंडो, जिसका नाम है W1, फिर एक और विंडो है जिसका नाम है W, ठीक है। अब W1 कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली। W कौन सी है, 1, 2, 3, 4, तो यहां पे W कितना है 4 और W1 कितना है 1। ओके, नाउ डोर का साइज कितना है 1.2 इंटू हाइट कितनी है 2.1, वेट कितनी है जितनी मोटी दीवार है, दीवार कितनी है 0.4, ठीक है। नेक्स्ट विंडो W1, W1 का साइज कितना है 1.8, हाइट कितनी 1.35, W 1.2 और 1.35, तो ये हमारे निकल गए डोर्स और विंडोज। बट आपको एक चीज और याद होगी कि जब भी डोर्स और विंडोज आते हैं तो उसके ऊपर हम लिंटल्स हमेशा प्रोवाइड करते हैं। लिंटल्स मतलब हमेशा डोर्स और विंडो के ऊपर एक ऐसा पर्टिकुलर एक ऐसा सेक्शन रहता है, जैसे ये मेरा डोर है तो डोर के ऊपर एक बाहर निकला हुआ ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन रहता है, इसको हम कहते हैं लिंटल्स, ठीक है। एयर सर्कुलेशंस वगैरह, या फिर हम इसे नेचुरल लाइट्स के लिए यूज करते हैं,
तो अब हम इसे निकालेंगे डोर्स एंड विंडोज ओवर लिंटल्स। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आएगी लिंटल्स ओवर डोर्स एंड विंडोज, ठीक है। इसमें भी तीनों यही कैटेगरी आएगी, डी आ जाएगा, डब्ल्यू वन आ जाएगा और डब्ल्यू आ जाएगा। तो डोर का साइज क्वांटिटी सेम 4, 1, 4, डोर का साइज 1.2, 0.4, 1.8, 0.4, 1.2, 0.4। अब इनकी हाइट भी जितनी डोर है उतना ही होता है क्या? नहीं, लिंटल की हाइट जनरली हम 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा केस में हम 30 सेंटीमीटर तक भी जा सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि आपको कितना लेना है तो आप उसी के हिसाब से लीजिए, नहीं तो आप क्लाइंट को जनरली 15 से 20 सेंटीमीटर लेते हैं। तो अभी हम जनरली इस केस में 20 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं, मतलब 0.2 मीटर। तो ये चीजें आपकी माइनस हो जाएगी जो आपकी क्वांटिटी आई थी ब्रिक वर्क की, ठीक है। तो अब इस क्वांटिटी को अपन माइनस कर देंगे, तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। 4 into 1.2 into 0.4 into 2.1 4.03 1.8 into 1.4 into 1.35 0.97 4 into 1.2 into 0.35 2.60 4 into 1.2 into 0.2 0.38 1.8 into 0.4 into 0.38 1.8 into 0.4 into 0.2 0.38 1.8 into 0.4 into 0.2 0.14 4 into 1.2 into 0.4 into 0.2 0.38 अब इन सभी का समीशन, तो 4.03 plus 0.97 plus 2.60 plus 0.38 plus 0.144 plus 0.38, तो ये टोटल आ रही है क्वांटिटी 8.504। पुराने वाली क्वांटिटी कितनी थी? 46.63। तो इसमें से इस क्वांटिटी को हम माइनस कर देते हैं, माइनस 46.63, तो ये आ रहा है 38.13 मीटर क्यूब। तो हमको फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कितना करना है? इतना करना है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से हम कैसे करते हैं। अब इस वीडियो में एक लास्ट पार्ट और आएगा जिसके अंदर हम उसके प्लास्टरिंग करेंगे। हमने अभी वॉल तो बना ली, वॉल बनाने के बाद हमको क्या करना है? प्लास्टर करना है। तो अब हम प्लास्टरिंग का नेक्स्ट वाले वीडियो में कंसिडर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।